हेलो हाय वेलकम टू एन एकेडमी। आज हम लोग विजुलाइजेशन का बहुत ही बेहतरीन कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कुछ बेसिक से। सबसे पहले आपको राइट एंगल ट्रायंगल का एरिया पता होना चाहिए। राइट एंगल ट्रायंगल का एरिया क्या होता है? मैं एक राइट एंगल ट्रायंगल लेता हूं जैसा कि आपको दिख रहा है। यदि बेस ये हाइट ही है तो इसका एरिया क्या होगा? हाफ बेस इज टू हाइट। मैं एक ट्रायंगल और लेता हूं, यदि मैं ट्रायंगल ऐसे लेता हूं, यदि बेस इसका ए है और हाइट इसकी एच है तो इसका एरिया क्या होगा? हाफ ए टू एच। क्लियर? इतना सबको क्लियर होगा। अब हम एक क्वेश्चन में इन्हीं कॉन्सेप्ट का यूज करेंगे और विजुलाइजेशन से सॉल्व करेंगे। मैं लेता हूं एक राइट एंगल ट्रायंगल जैसा कि आपको स्क्रीन में दिखा, इसमें एक स्क्वायर लेता हूं। अब आपको इसमें स्क्वायर की साइड एक्स एक्स दे रखी है, ये साइड ए है, ये साइड बी है। अब आपको यहां पे स्क्वायर की साइड बतानी है ए बी के टर्म्स। चलो इसको विजुलाइजेशन से कितनी जल्दी सॉल्व करेंगे। देखो ये फिगर और ये फिगर आपको दिख रहा है, इसमें हमें क्या सोचना है कि ये जो वर्टेक्स है नीचे वाला और इसको मैं ऐसे मिला दूंगा, ऐसे मिला दूंगा। तो यहां पे देखो अब विजुलाइज कर सकते हो इजीली। ये ट्रायंगल इन दोनों ट्रायंगलों का जो एरिया होगा, सम जो एरिया होगा इनका, एरिया का सम जो होगा टोटल ट्रायंगल के एरिया के बराबर होगा। तो अब इस ट्रायंगल के यदि मैं एरिया लिखता हूं तो देखो ये बेस क्या है? ए है और बेस ये है तो हाइट कितनी? एक्स, आपको दिख रहा होगा। तो अब हम इसका एरिया लिख सकते हैं कितना? इस वाले ट्रायंगल का हाफ ए टू एक्स लिख सकते हैं। इस वाले ट्रायंगल का क्या लिख सकते हैं? बेस बी है, हाइट एक्स है, तो हम इसका एरिया क्या लिख सकते हैं? प्लस हाफ बी इज टू एक्स। हमने प्लस क्यों किया? क्योंकि इन दोनों ट्रायंगल का एरिया यदि हम जोड़ देते हैं तो टोटल एरिया ट्रायंगल का कितना आ जाएगा? हाफ ए टू, हाफ हाफ कट जाएगा, एक्स कॉमन ले लेंगे तो यहां पे बचेगा ए प्लस बी बराबर ए बी, तो एक्स बराबर क्या आ जाएगा? ए बी अपॉन ए प्लस बी। आई होप आप लोग ये चीज समझ गए होंगे। अभी आप इसी को यदि कॉपी पेन में करते तो दो तीन मिनट लग जाता, बट अब आप इसको 15 या 20 सेकंड में समझ चुके होंगे। ठीक है, आई होप आप लोगों को ये चीज पसंद आई। थैंक यू सो मच। जय हिंद।